पेल्पा के ऐतिहासिक दंगल के प्रथम इनाम के विजेता, मैं कहूं कि फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर के विजेता, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हिंद केसरी पहलवान, राजीव गांधी गोल्ड कप के विजेता, मलकपुर के हितेंद्र पहलवान। आप देख सकते हैं इनका शरीर और सोस्टो देख करके ही आपको लगता है इनकी ताकत का एहसास आपको हो जाएगा। और आज इन्होंने पेल्पा का ऐतिहासिक दंगल जीता है, फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर का इनाम जीता है। सीधे बात करेंगे पहले पहलवान से। सबसे पहले तो हितेंद्र भाई आपको बधाई। धन्यवाद भाई साहब जी। और आपने यह दंगल जो जीता है फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कैसा मुकाबला रहा? मुकाबला अच्छा था जी, काफ़ी रोमांचक मुकाबला था। पहले भी कई कुश्ती हो चुकी है मेरी जी मुन्नू के साथ जी, आज भी अच्छा मुकाबला था। सबके आशीर्वाद जी और अपनी मेहनत से आज जीत मिली, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। और हितेंद्र भाई वर्तमान में आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं? मैं छत्रसाल स्टेडियम में गुरु मावली सतपाल जी के पास, श्री सुशील पहलवान जी के पास ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, आगे क्या टारगेट किया है आपने और क्या लक्ष्य बनाया है? आगे अब जी 2020 के ओलंपिक क्वालीफाई की ट्रायल है, 2 महीने में उनकी तैयारी करके अब ट्रायल देंगे जी। और देखिए कोच साहब, जिस प्रकार से हितेंद्र पहलवान ने आज जोर अजमाइश की है, फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर जीता है, 2020 ओलंपिक इसका लक्ष्य है, क्या कहेंगे? देखिए हमारा ये देश का बहुत ही भारी भरकम 130 किलो का पहलवान है, इन्होंने पहली बार नहीं है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पदक से उसमें भी इसमें विजेता के रूप में रहे हैं और कई इन्होंने टूर मारे हैं और हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम परमात्मा से दुआ करते हैं स्वस्थ रहे, क्योंकि महाबली सतपाल जी ने देश के लिए अनेकों ओलंपियन, सुशील, योगेश्वर, बजरंग पूनिया, अनेकों नाम है जो देश के लिए मेडल जीतने के पहलवान तैयार किए हैं और उसी संस्था में आज ये पहलवान अभ्यास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है ये देश के लिए जो सुपर हैवी का वजन है 130 किलो का, उसमें ये ज़रूर अपनी मेहनत के बल पे देश के लिए क्वालिफाई करेगा। हितेंद्र जी आपसे एक संदेश चाहेंगे, आप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकते हुए सितारा हो, 2020 आपका लक्ष्य है, अपने समकक्ष पहलवानों को या जिन्होंने आज आपका दंगल देखा है या जो हमारे चैनल पे आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, क्या करना चाहिए एक पहलवान को आपकी जुबानी? युवा दोस्तों को, जो नौजवान बच्चे, उनको मेहनत करनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, अपनी दोनों टाइम अच्छी मेहनत करनी चाहिए, कोई ना कोई गेम जरूर करना चाहिए जी। और देखिए सफलता का शॉर्टकट भी यहाँ दिया गया है आज पहलवान के द्वारा, नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह 130 किलो का जो भारी भरकम पहलवान आप देख रहे हैं, इसने अपने शरीर को तराशा है, नशे से दूर रहा है, लगातार मेहनत की है और लगातार मेहनत ही इसकी सफलता का परिणाम है।